15 जनवरी ये दिन है देश के अभिमान, देश की शान, भारत के वीर सपूतों का। आज के दिन हम याद करते हैं अपने सेना के पराक्रम को, अदम्य साहस को, उनकी वीरता को। हर साल 15 जनवरी के दिन भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है, जो देश की सुरक्षा को लेकर हमेशा प्रतिबद्ध रहते हैं। जंग के मैदान में दुश्मनों को धूल चटाना हो, देश में किसी बड़ी त्रासदी के आने पर लोगों को रेस्क्यू करना हो, या आपातकाल की स्थिति में जल्द से जल्द ज़रूरतमंद लोगों के पास मदद पहुंचानी हो, हर वक्त हर परिस्थिति में देश के जवान अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इस दिन देश की वीरता, शौर्य और कुर्बानियों को याद किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारतीय सेना दिवस मनाने की तारीख 15 जनवरी ही क्यों रखी गई? आखिर भारतीय सेना दिवस को मनाने की शुरुआत कब से हुई? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। 15 जनवरी सन 1949 में भारतीय सेना ने ब्रिटिश सेना से टेक ओवर किया। इस दिन ब्रिटिश सेना का विलय भारतीय सेना में हो गया, और ये हमारे स्वतंत्रता के बाद जब हमारा संविधान का कंस्ट्रक्शन हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे हम जब अपने पूर्ण स्वतंत्रता की ओर बढ़े, उसमें ये पहला स्वावलंबन की ओर हमारा पहला महत्वपूर्ण कदम था। सन 1949 में तक भारतीय ब्रिटिश सेना यहाँ पे काबिज थी, और उसका कमांडर फिशर बुचर थे। उनसे टेक ओवर किया हमारे पहले भारतीय सेना अध्यक्ष ने, जो कि जनरल के एम करियप्पा थे, सन 15 जनवरी 1949 में। इस तिथि को हम आर्मी डे के रूप में मनाते हैं। जनरल के एम करियप्पा ने अपनी ट्रेनिंग ब्रिटिश रॉयल मिलिट्री एकेडमी देहरादून से की, और वो सर्वश्रेष्ठ कैडेट के रूप में उन्होंने अपने ट्रेनिंग पूरी की। जनरल करियप्पा शारीरिक रूप से बहुत ही सुदृढ़, क्योंकि वो एक कुर्ग प्रदेश से आते थे, जहाँ के लोग, कर्नाटक के लोग अपने आप में वॉरियर ब्रीड के माने जाते हैं। तो वो एक कुर्ग जाति के थे। जाति के अलावा उनके अंदर नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी। वो सारी चीज़ों को पहले से ही फोरकास्ट कर लेते थे, आगे की चीज़ों की प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, और डाउन द चेन कमांड को कैसे उनको एम्प्लॉय करना है, उनके अंदर अद्भुत क्षमता थी इस बात की। ये चीज़ों को देखते हुए जनरल करियप्पा को पहला थल सेना अध्यक्ष बनाया गया, और जैसे ही वो थल सेना अध्यक्ष बने, उनके अंडर में पहला ही युद्ध 1949 में कश्मीर वैली में लड़ा गया, जब पाकिस्तान ने कबीलियाइयों के साथ मिलकर कश्मीर को अपने अंडर में लेने की कोशिश की, और महाराज हरि सिंह की फौज कबीलियाइयों के साथ नहीं लड़ सकी। कबीलियाइयों ने अत्यधिक आतंक मचाना शुरू किया कश्मीर में, मारकाट की स्थिति आ गई। तब महाराज हरि सिंह ने उस समय के गृह मंत्री सरदार पटेल से रिक्वेस्ट किया कि मैं विलय के लिए तैयार हूँ, आप भारतीय सेना को त्वरित कर गति से कश्मीर में भेजें, नहीं तो यहाँ पर नरसंहार मच जाएगा। तब जनरल करियप्पा को उस समय के गृह मंत्री ने आदेश दिया कि आप रैपिड एक्शन लेते हुए कश्मीर को बचाएं। जनरल करियप्पा ने इमिडिएटली एयरबॉर्न किया भारतीय सेना को, और भारतीय सेना की पहली एयरबॉर्न डिवीजन ने वहाँ पे जाके कबीलियाइयों से अटैक किया। आज जो आप कश्मीर की हालत देख रहे हैं, उसमें जनरल करियप्पा का बहुत बड़ा योगदान है। जनरल करियप्पा को लेटर स्टेज में फील्ड मार्शल की उपाधि भी दी गई। जैसा कि आपने सुना, के एम करियप्पा आज़ाद भारत के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष थे। के एम करियप्पा ने कई साल तक भारतीय सेना का नेतृत्व किया। उन्होंने साल 1947 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में पश्चिमी सीमा पर भारतीय सेना का नेतृत्व भी किया। के एम करियप्पा का जन्म 28 जनवरी 1899 को कर्नाटक में हुआ था, और उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा माडिकेरी के सेंट्रल हाई स्कूल में ली थी। साल 1917 में स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया। साल 1953 में जब केएम रिटायर हुए, तो उन्होंने रिटायरमेंट के बाद न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में बतौर हाई कमिश्नर काम किया। वो यूनाइटेड किंगडम स्थित कैम्बरली के इंपीरियल डिफेंस कॉलेज में ट्रेनिंग लेने वाले पहले भारतीय थे। ऐसा बताया जाता है कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को
उनके पिता से डर था, लेकिन जनरल करियप्पा के संबंध नेहरू और इंदिरा गांधी दोनों से ही काफी अच्छे थे। बात 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की है। युद्ध का आखिरी दिन था और उसी दिन स्क्वाड्रन लीडर केसी करियप्पा, जो केएम करियप्पा के बेटे थे, और एएस सहगल और कुक्के सुरेश को पाकिस्तानी ठिकानों पर बमबारी करने के लिए कहा गया। लेकिन जैसे ही बमबारी का पहला चक्कर शुरू हुआ, पाकिस्तानी सैनिकों ने एंटी एयरक्राफ्ट गन से एएस सहगल के विमान पर हमला कर दिया। हालांकि इस हमले में एएस सहगल तो बच गए, लेकिन उन्हें वापस बेस कैंप जाना पड़ा। सहगल के कैंप लौटने के बाद जंग के मैदान में केसी करियप्पा और कुक्के डटे रहे और अपने दुश्मनों के ठिकानों को तहस नहस करने में जुटे रहे। लेकिन करियप्पा का विमान लगातार पाकिस्तानी गोलियों का शिकार होता रहा। कुछ ही देर बाद करियप्पा का विमान क्षतिग्रस्त हो गया और आग के गोलों की तरह भारतीय इलाके में जा गिरा। गिरने के बाद पाकिस्तानी सैनिकों ने उन्हें घेर कर हिरासत में ले लिया। पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान को जैसे ही ये पता चला कि इस घटना में केएम करियप्पा के बेटे को पाकिस्तानी सैनिकों ने हिरासत में ले लिया है, उन्होंने तुरंत रेडियो से अनाउंसमेंट करा दी कि केएम करियप्पा के बेटे को सेना ने हिरासत में ले लिया है। उन्होंने भारत में पाकिस्तानी उच्चायुक्त के जरिए केएम करियप्पा तक जानकारी पहुंचाई कि अगर वो चाहें तो उनके बेटे को छोड़ा जा सकता है। लेकिन अपने उसूलों के पक्के केएम करियप्पा ने इससे साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, केसी करियप्पा केवल मेरा नहीं बल्कि पूरे देश का बेटा है, अतः उसके साथ भी अन्य युद्ध बंदियों जैसा ही व्यवहार होना चाहिए। अगर उन्हें उसे छोड़ना है तो फिर अन्य युद्ध बंदियों को भी छोड़ना होगा। उन्होंने कहा कि सारे युद्ध बंदी मेरे बेटे जैसे हैं, उसमें मेरा बेटा कोई खास नहीं है।